कंजक्टिवाइटिस, आई फ्लू, पिंक आई या आंख आना, इसका नाम सुनकर भी आंखों तक सनसनाहट पहुंच जाती है। आंखों की इस मौसमी रोग की ज्यादातर वजह वायरस ही होती है। दरअसल बारिश के मौसम में होने वाली नमी के कारण कई तरह के बैक्टीरिया, वायरस और फंगस बढ़ने लगते हैं। यही इंफेक्शन आंखों तक भी आ पहुंचता है। बरसात का मौसम कंजक्टिवाइटिस का अधिकतम जोखिम वाला मौसम होता है। देश के कई हिस्सों में पिछले कुछ दिनों से कंजक्टिवाइटिस के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। इसमें छत्तीसगढ़ भी शामिल है। काला चश्मा पहनकर आंखों को छुपाते लोगों की एक बड़ी संख्या चारों ओर नजर आ रही है। ये रोग एक्यूट या क्रॉनिक दोनों ही रूपों में हो सकता है और पूरी तरह ठीक होने में 2 हफ्ते का समय लेता है। गर्म और नम वातावरण आई फ्लू के फैलाने के लिए आदर्श माहौल होता है। हमारी आंखों में एक पारदर्शी पतली झिल्ली कंजक्टिवा होती है, जो हमारी पलकों के अंदरूनी और आंखों की पुतली के सफेद भाग को कवर करती है। इसमें सूजन आने या संक्रमित होने को कंजक्टिवाइटिस या आंख आना कहते हैं। जब कंजक्टिवा की छोटी छोटी रक्त नलिकाएं सूज जाती हैं, तब ये अधिक स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगती हैं और आंखों का सफेद भाग लाल या गुलाबी दिखने लगता है। इसलिए इसे पिंक आई भी कहा जाता है। कभी कभी टियर डक्ट यानी अष्टनलिका के पूरी तरह खुला न होने से भी अक्सर पिंक आई की समस्या हो जाती है और ऐसा छोटे बच्चों में ज्यादा देखा जाता है। कंजक्टिवाइटिस एक अत्यंत संक्रामक रोग है और इसका तुरंत उपचार जरूरी है। संक्रमण, एलर्जी, रसायनों का एक्सपोजर इसका मुख्य कारण बन सकता है। एडिनो वायरस इसके लिए अक्सर जिम्मेदार होता है। इसके अलावा हर्पीस सिंप्लेक्स वायरस, वेरिसेला जोस्टर वायरस और दूसरे वायरस जिसमें कोरोना वायरस भी सम्मिलित हैं, इसका कारण बन सकते हैं। संक्रमित व्यक्ति की आंखों से निकलने वाले डिस्चार्ज के प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष संपर्क में आने के बाद एक आंख से दूसरी आंख तक पहुंचाने वाले आई फ्लू में बहुत ही दुर्लभ मामले ऐसे हैं जिसमें दृष्टि प्रभावित हुई हो। इस संक्रामक रोग को बहुत आसानी से पहचाना जा सकता है। इसमें एक या दोनों आँखें लाल या गुलाबी दिखाई देती हैं। एक या दोनों आँखों में जलन या खुजली का होना, असामान्य रूप से अधिक आंसू का निकलना, आँखों से पानी जैसा या गाढ़ा डिस्चार्ज निकलना, आँखों में किरकिरी महसूस होना, आँखों में सूजन आ जाना, यह लक्षण आमतौर पर एलर्जिक कंजर्वाइटिस के कारण दिखाई देते हैं। सावधानी ही इस रोग की सबसे बड़ी सुरक्षा है। किसी ऐसे व्यक्ति के संपर्क में आने से बचें जिससे वायरल या बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस है। किसी ऐसी चीज के संपर्क में आने से बचें जिससे आपको एलर्जी है। रसायनों का एक्सपोजर जैसे स्विमिंग पूल के पानी में मौजूद क्लोरीन के संपर्क में आने से बचें। कॉन्टैक्ट लेंस का इस्तेमाल करने वाले लगातार उन्हें लंबे समय तक लगाकर न रखें और साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना। लक्षण दिखाई देने पर नेत्र विशेषज्ञ को तुरंत दिखाएं। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई तो हमारे फेसबुक पेज पर लाइक करें और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।